कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में अब दिल्ली पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। मुंडका के SHO को 2 दिनों से बुखार आ रहा है, ऐसे में उनके साथ तैनात रीडर और ऑपरेटर को भी होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया। जानकारी के मुताबिक SHO ने होम क्वारंटाइन होने का निर्णय खुद ही लिया, जबकि उनके साथ थाने में तैनात रीडर ASI ने भी होम क्वारंटाइन होने का फैसला किया। शुक्रवार देर रात मुंडका थाना सूत्रों ने बताया कि SHO, रीडर और एक ड्राइवर ऑपरेटर फिलहाल छुट्टी पर है। SHO का चार्ज फिलहाल किसी और को दे दिया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक में तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और क्षेत्रीय विदेशी पंजीयन कार्यालय में तैनात एक हवलदार में भी कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकला है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 700 के पार जा चुकी है, तो वहीं 25 इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों को हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया। दरअसल इन 25 इलाकों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आने के चलते दिल्ली सरकार ने इन्हें सील करने का फैसला किया है। गुरुवार को 3 संक्रमित व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का आंकड़ा 12 हो गया। अधिकारियों ने बताया कि 25 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नमन शर्मा के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी, दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।